फतेहाबाद जिले में स्नातक और स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं बुधवार से शुरू हो गई। कोविड-19 के लिए जारी किए गए निर्देशों का पालन करते हुए कॉलेज प्रशासन द्वारा परीक्षाएं आयोजित करवाई जा रही है। फतेहाबाद के एमएम कॉलेज में 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें बुधवार को 1000 से अधिक परीक्षार्थियों ने परीक्षाएं दी। कॉलेज के प्राचार्य ने जानकारी देते हुए बताया कि विश्वविद्यालय के निर्देशों पर परीक्षाएं शुरू करवा दी गई है। परीक्षाओं से पूर्व पूरे कॉलेज को सैनिटाइज करवाया गया है। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्र में प्रवेश पाने वाले प्रत्येक विद्यार्थी की थर्मल स्क्रीनिंग करवाई जा रही है, साथ ही मास्क लगाना भी अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी को अपने साथ सैनिटाइजर लाने के लिए भी कहा गया है। वहीं उन्होंने बताया कि कोरोना के चलते यदि कोई बच्चा परीक्षा नहीं दे पा रहा है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। विश्वविद्यालय बाद में ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित करेगा, जिसमें वे परीक्षाएं दे सकेंगे। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा की फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के लिए UG और PG की जो फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज परीक्षाएं सभी केंद्रों पर शुरू हो गई हैं। मनोर मेमोरियल कॉलेज फतेहाबाद में 2 परीक्षा केंद्र चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए हैं और विद्यार्थियों को वाइस चांसलर प्रोफेसर राजवीर सिंह सोलंकी जी द्वारा दोनों ही मोड से परीक्षाएं देने का च्वाइस दी गई थी, ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड। आज ऑफलाइन मोड की शुरुआत थी और 95% बच्चों ने ऑफलाइन मोड को स्वीकारा है और आज 1070 विद्यार्थी परीक्षा में प्रवेश लेंगे। कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले तो बिल्डिंग को सैनिटाइज करना प्राथमिकता थी, जो कि 3 दिन पहले ही हमने रोजाना बिल्डिंग को सैनिटाइज किया। 15 कमरे 2 सेंटर में हमने स्पेसिफिक किए हुए हैं और विद्यार्थियों के लिए भी दिशा निर्देश जारी किया गया है कि वो मास्क पहन के आएँ और साथ में सैनिटाइजर लेके आएँ।